महाराष्ट्र का पहला परिवार, पति पत्नी जिनको कोरोना फ्री घोषित किया गया और वो अपने घर जा रहे हैं, वो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है। हम अपने दर्शकों को उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनके अनुभव पूरे देश के लोगों के लिए सीख के अनुभव हो सकते हैं, इसलिए वो हमारे साथ फोन पर इस वक्त मौजूद हैं। आपका स्वागत है आज तक पर। हम आपका नाम नहीं बता रहे, लेकिन आपका अनुभव जरूर जानना चाहेंगे। कैसे आपको मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, उसके बाद तब से अब तक क्या क्या हुआ? सर, हम दुबई टूर करके आए थे जी। हमने 24 से 29 तारीख तक हमने दुबई टूर करके आने के बाद 1 तारीख को हम वापस आ गए इंडिया में जी। और दो तारीख में मुझे जैसे बुखार आ गया जी। तो बुखार आने के बाद हमने डॉक्टर को, फैमिली डॉक्टर को दिखाया। फैमिली डॉक्टर ने हमको कंसल्ट किया और 2-3 दिन हमको रेस्ट करने के लिए बोला जी। उसके बाद उन्होंने 2 दिन हमको आराम मिलने के बाद हम ऑफिस चले गए। ऑफिस के बाद फिर 5वें दिन हमको थोड़ा सा बुखार आ गया और गले में थोड़ा सा खांसी आ गई जी। तो उन्होंने हमको यहाँ पर जो नोएडा हॉस्पिटल है, जो ऐसे वायरल इन्फेक्शन का इलाज करते हैं पुणे में, तो वहां पर उन्होंने जाने के लिए बोला। और हम खुद होके, मैं और मेरी मिसेस 9 तारीख को हॉस्पिटल में चले गए। वहां पर डॉक्टरों का हमारा हिस्ट्री बताने के बाद उन्होंने हमको कोरोना के लिए टेस्ट करवाया जी। और शाम को हमको रिपोर्ट आने के बाद हमको बताया कि ऐसे आप दोनों का पॉजिटिव आ गया है जी। तो ये सुन के हमको बहुत बड़ा दुख हो गया कि हम ऐसे कंट्री में गए थे जहाँ पर कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं था। फिर हम इसको अभी डट के मुकाबला करेंगे करके हमने वो एक्सेप्ट किया। फिर बच्चों को भी बुलाया गया हॉस्पिटल में, उनका भी टेस्ट करवाया। हमारे साथ हमारी बच्ची आई थी जी। उनका भी पॉजिटिव आ गया और बच्चे का निगेटिव आ गया। तो उसके बाद हमको क्वारंटाइन के लिए एडमिट करवा के लिए लिया अगले 14 दिन के लिए जी। और पूरा आइसोलेशन में हमको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। उसके बाद डॉक्टर ने अपनी वैद्यकीय जो दवाई है वो दे दी, जैसे कि फ्लू नहीं होने का है, सर्दी खांसी नहीं होने का है, पेट नहीं बिगड़ने का, ऐसे 4-5 दवा देने के बाद हमको तीनों को अलग अलग जगह पर रख दिया वहां पर जी। और पूरा जैसे प्रोटोकॉल है कोरोना के लिए जो भारत सरकार का है उसके हिसाब से हमको उन्होंने रखा। वो हमने पूरे के पूरे उनके जो नियम्स रूल्स है वो हमने 14 दिन तक फॉलो किए जी। डेली बेसिस पर डॉक्टर हमको चेक करते थे। वो सब करने के बाद हमारी तबियत में कोई गिरावट नहीं आई, हमारी तबियत सुधर की गई। उसके बाद हमको 15वें दिन और 16वें दिन हमको टेस्ट फिर से करवा दिया। हमारा दोनों ही नेगेटिव आ गए टेस्ट जी। और मेरे को, मेरे मिसेज को और बच्चे को आज हमको डिस्चार्ज हो गया है जी। और उसके बाद लड़की का भी नेगेटिव आ गया टेस्ट, उसके साथ और 3-4 लोग हैं उनका भी नेगेटिव आ जाएगा, और आज शाम को नहीं तो कल उनको भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप तो मुझे 14 दिन में अपने परिवार से मिल नहीं पाए एक जगह होते नहीं, हुए परिवार हम चारों लोग थे, हमारे बाकी के रिलेटिव्स को नहीं मिल पाए, लेकिन मैं, मेरे मिसेस और बच्चे जो थे हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने हमको एडमिट करवा के रखा था। क्योंकि ये जो रूल्स है अभी जो कोरोना के लिए, तो वो हमको वहां पर फॉलो करने थे। तो हमने भी सोचा पहले 2 दिन तो हमको बहुत बुरा लगा कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे घर वाले वगैरह रिलेटिव डर गए थे जी। लेकिन जो डॉक्टर ने हमको समझा के वहां पर रखा और जो भी रूल के हिसाब से हमको रखा वहां पर, जो उन्होंने हमको कॉन्फिडेंस दिया कि आप अगर ये अलग रह जाते हैं आइसोलेशन में तो आपका ये ठीक हो जाता है, उसका इलाज यही है जी। तो हम वो फॉलो किया रूल, वो हमको इलाज पूरा मतलब अच्छी तरह से ये हो गया, सूट हो गया। तो हमको आपके माध्यम से ये कहना है कि इलाज जरूरी होता है, कोरोना नष्ट हो जाएगा कोरोना के लिए। हम जो गवर्नमेंट और आप टीवी माध्यम से जो बोलते हैं लोगों को कि आप अलग अलग रहो, बाहर मत निकलो, तो इसका हमको बहुत असर हो गया। हम जो क्वारंटाइन करवा दिया उन लोगों ने जो प्रॉपरली, तो हम ठीक हो गए। तो हम 16वें और 17वें दिन घर आ गए हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि ये ठीक होता है, कोई डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये ट्रांसफर जब होता है सर, हमको पता नहीं चलता सामने वाला पेशेंट है करके, इसीलिए सरकार ये सारे रूल बताती है कि आप मार्केट में मत जाओ, ज्यादा जहाँ पर भीड़ है वहां पर जाओ, क्योंकि जो ट्रांसफर कर रहा है उसको भी पता नहीं कि उनके अंदर अगर कोरोना के साथ किसी के साथ ये हुआ। हम जैसे दुबई से आ गए थे, दुबई में तो कोई हमको दिखा नहीं, तो इसीलिए हमारे के अंदर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे साथ जो सोसाइटी में और जो हमारे ऑफिस में, लड़की के ऑफिस में जो भी लोग हमारे साथ मिले थे उनका सबका टेस्ट करवाया,
सब निगेटिव आ गए, हमारे से किसी को ट्रांसफर नहीं हुआ। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक के दर्शकों को ये सब कुछ बताने के लिए। 15-16 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद सुरक्षित ये परिवार स्वस्थ होकर वापस अपने घर को लौट रहा है।